तेजू और ओवी से कोई बात हुई? आजी, ओवी तेजू से याद आया, आजी जब उन्हें पता चलेगा कि जिन्हें वो अर्चना आंटी कहती है वही उनकी आई है, तब क्या होगा? मेरा मतलब है कि और कोई बताए ना बताए, लेकिन सविता जी वो तो उन्हें जरूर बताएगी आजी। हाँ तो ठीक है ना, बताने दे। आजी, आजी तू ऐसा बोल रही है? देख, आज नहीं तो कल सच्चाई उन्हें पता चलने ही वाली, और वैसे भी देख सचिन को सब कुछ पता है, तो इन लोगों को भी कभी ना कभी पता चलने ही वाला है ना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई जानने के बाद दोनों बेटियां अर्चना का ही साथ देगी। इतने दिन तो मुझे अर्चना ने कसम देकर रोक रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवी और तेजू कल आ रहे हैं ना गोवा से। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, सविता तई उन्हें कुछ बताए इससे पहले मैं ही उन्हें सब कुछ बता देती हूँ। बहुत सह लिया मेरी अर्चुन, लेकिन अब नहीं। हाँ, मुझे कनाडा जाने के लिए 2 टिकटें बुक करनी है। मैडम मैडम फोन रख दीजिए, कनाडा जाने की टिकट बुक हो गई है। मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी नहीं करना बुक। क्या कहा तूने? तूने टिकट बुक की है? किसने कहा था तुझे? महंगी वाली टिकटें की होगी ना तूने? और ये बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आजी, टिकट मैंने बुक कराई है। तूने? बाबा ने मुझसे कहा था। देखा, मेरा बेटा मुझे घर से निकालने पर उतर आया है। मुझे मुंबई आने के बाद मेरे बेटे ने क्या दिया? 2 कनाडा जाने की 2 टिकटें। तू मुझे रोक नहीं सकता है ना? तेरी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तू मिल गई ना उसे? भाई, तू इन सब में अर्चना को क्यों घसीट? तू ही कनाडा वापस जाना चाहती थी, इसलिए मैंने। हाँ, जाना चाहती थी, लेकिन अभी जाने का इंतजाम करने को नहीं बोला था, और ये सुनने के बाद तू मुझे रोक भी सकता था। मैं इतनी जल्दी कनाडा नहीं जाने वाली। जब तक तुम्हारा तलाक नहीं होता, मैं और 3 महीने यही रहने वाली हूँ, और तलाक के बाद मैं अकेली कनाडा नहीं जाऊंगी। मेरे मानव को साथ लेके जाऊंगी। तुझे क्या लगा मेरे जाने के बाद तू इस घर का कब्जा करेगी? मैं अगले 3 महीने तक कहीं नहीं जाने वाली, समझी? हाँ, मैं नहीं जाने वाली। तू यहाँ नहीं जीतने वाली, समझी ना? तुझे क्या लगा मेरे घर में तू महारानी बनकर रहेगी? अरे हट, मेरे जीते जी एक कभी नहीं हो सकता। आई, इस घर की मालकिन आप हमेशा से थी, है और हमेशा रहेंगी। मैं कभी आपकी जगह नहीं ले सकती, और वैसे भी है अब सिर्फ 3 महीने बाकी, और मैंने सोचा था मैं इन 3 महीनों को अपने परिवार के साथ जीऊंगी। तो आप आ गई, आपके साथ भी रहूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरा परिवार पूरा हो। अगर आप यहां से चली जाएंगी तो हमारा परिवार अधूरा हो जाएगा। शायद पापा भी यही चाहते कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहूं।
भाई बड़ी साथ में रहने वाली। देखो तो महारानी के तेवर। लेकिन मैडम वो महारानी कैसे हो सकती है, उन्होंने तो आपको मालकिन कहा है, तो इसका मतलब आप महारानी हुई ना। जल्दी भाग, मैं जाती हूँ अपना काम करती हूँ। अर्चना क्या बात है अर्चना, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? आय की वजह से ना। आई एम सॉरी अर्चना, मुझे नहीं पता था कि आई इस तरह से रिएक्ट करेगी। मानव, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ तो होता ही रहेगा। आप इतना मत सोचिए मानव, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूं अर्चना, तुम सब कुछ संभालती आई हो। माई को तो जानती हो ना, वो पहले से ही ऐसी है, गुस्से में आकर कुछ भी बोल देती है, लेकिन उसका दिल साफ है। उसके दिल में तुम्हारे लिए भले ही कड़वाहट है, लेकिन तुम्हारी बेटियों से बहुत प्यार करती है वो, इसलिए अपनी बेटियों के खातिर ही सही उसकी बातों का बुरा मत माना करो। अर्चना आई भले ही कनाडा की टिकट्स निकालने के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहर रही है, लेकिन हम सब असलियत जानते हैं, आई को कनाडा भेजने के पीछे मेरी एक वजह है जो वो नहीं जानती। वो क्या वजह है माना? अर्चना आई इस घर में रहेंगी तो जाहिर सी बात है तुम दोनों के बीच अनबन होती रहेगी, और उस वक्त ना तो मैं आई को रोक पाऊंगा और ना ही उसका तुम्हें कोसना बर्दाश्त कर पाऊंगा। हमारे यहाँ एक अर्जेंट रिक्वेस्ट रजिस्टर कराई थी, किसी नंबर के डिटेल्स ढूंढने के लिए कहा था आपने। हाँ, कुछ पता चला? यस मैम, हमने उस नंबर के सारे डिटेल्स ढूंढ लिए हैं। आपके दिए हुए नंबर से अब तक एक ही कॉल किया गया है, और जीपीएस सिस्टम की मदद से हमने उस एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगा लिया है जहाँ से ये कॉल किया गया था।